हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे पोकायोके के बारे में, जिसे मिस्टेक प्रूफिंग भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पोकायोके इम्प्लीमेंट करके कैसे हम सिली मिस्टेक से बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले पोकायोके की डेफिनेशन जान लेते हैं। पोकायोके एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जिसको टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत सबसे पहले टोयोटा कंपनी में जापान में इस्तेमाल में लाया गया। पोकायोके की डेफिनेशन की बात करूं तो पोकायोके इज अ मैकेनिज्म इन एनी प्रोसेस दैट हेल्प्स एन इक्विपमेंट ऑपरेटर टू अवॉइड द मिस्टेक्स। मतलब कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो किसी ऑपरेटर को गलती करने से रोकता है। ओरिजिनली जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसको बाकायोके कहा गया। बाकायोके का मतलब होता है इडियट प्रूफ या फूल प्रूफ। ये इतना हार्श वर्ड था कि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए इसको बाद में चेंज कर दिया गया पोकायोके, मिस्टेक प्रूफ। पोकायोके जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, पोका प्लस योके। पोका का मतलब होता है मिस्टेक या गलती, और योके का मतलब होता है अवॉइड या रोकना। तो पोकायोके को एक साथ पढ़े तो मिस्टेक प्रूफिंग, और हिंदी में इसको हम गलती से भी गलती ना हो या भूल कर भी गलती ना हो के नाम से जानते हैं। तो पोकायोके को एज ए होल देखे तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी ऑपरेटर को गलती करने से रोक देती है, या किसी भी व्यक्ति को गलती करने से रोक देती है। अब पोकायोके के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल में आते हैं। जैसे आप यूएसबी आप इस्तेमाल की होगी आपने सभी ने, तो उसमें क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं। स्लॉट इस हिसाब से कटे होते हैं कि आप उसको उल्टा नहीं लगा सकते, घुमाकर नहीं लगा सकते। घुमाकर लगाओगे तो लगेगी ही नहीं। तो ये क्या किया उन्होंने, इसको मिस्टेक प्रूफ बना दिया, पोकायोके कर दिया। ऐसा इसलिए किया, अगर आप उसको घुमा के लगा दोगे तो जो है डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, या आपका जो फोन के अंदर यूएसबी आप लगा रहे हो तो फोन चार्ज नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसको मिस्टेक प्रूफ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारी गाड़ियों में। हमारी गाड़ी में कई सारे पोकायोके लगे हुए हैं, अगर उसको हम ढंग से या ध्यान से देखें तो। सबसे पहला पोकायोके क्या होता है कि हमारी गाड़ी अगर हम बंद कर देते हैं और अपनी उसकी चाबी निकाल देते हैं, लेकिन उसका जो हेडलैम्प है वो जला रह गया, तो क्या होगा, गाड़ी अलार्म देना शुरू कर देगी। जैसे ही वो अलार्म देगी तो इसका मतलब क्या है, वो हमें वार्न कर रही है कि आप कोई गलती कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, एक वार्निंग पोकायोके। इसी तरीके से जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए सेफ्टी फीचर्स ऐड किए हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप गाड़ी की क्लच पूरी नहीं दबाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, चाहे गाड़ी गियर में है या नहीं है। पहले क्या होता था, अगर गाड़ी गियर में है तो क्लच दबा के आप स्टार्ट करनी है, अगर गियर में नहीं है आप नॉर्मली स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी पोकायोके डाल दिया कि आप क्लच दबाओगे ही, चाहे गाड़ी आपकी गियर में है या नहीं है। क्योंकि पहले कई बार क्या होता था कि आपने क्लच नहीं दबाई, गाड़ी गियर में है और आपने स्टार्ट कर दिया, तो गाड़ी क्या करती थी, आगे धक्का लेती थी या भागती थी। इसलिए इसमें क्या किया गया, एक सेफ्टी पोकायोके डाल दिया गया। इसी तरीके से स्पीड लॉकिंग जो होती है, जब गाड़ी एक स्पीड सर्टेन स्पीड पकड़ लेती है तो गाड़ी के दरवाजे जो है सेफ्टी के हिसाब से अपने आप लॉक हो जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे घरों में अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो पिन टॉप होते हैं या सॉकेट होते हैं 3 पिन के, उसकी जो ऊपर वाली जो टॉप की पिन होती है उसका जो डाया होता है वो एक्स्ट्रा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा अर्थिंग के लिए यूज होता है तार। अगर हम वहां पर सप्लाई डाल देंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए क्या किया, जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने डाया उसका बढ़ा दिया ताकि वो न्यूट्रल और फेस वाले पॉइंट के अंदर जाए ही ना। तो ये क्या किया, उन्होंने मिस्टेक प्रूफ कर दिया कि गलती से भी गलती ना हो। इसके अलावा आपने देखा होगा जो सिम कार्ड होता है वो कोने से थोड़ा सा कटा होता है। कटा इसलिए होता है कि अगर आपने उसको घुमा के उल्टा लगा दिया, फोन आपका जो है नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, सिम चालू नहीं होगी। इसलिए क्या किया कंपनी वालों ने, एक छोटा सा पोकायोके डाल दिया, उसको कॉर्नर से थोड़ा सा पेपर में काट दिया ताकि जब आप उसको डालो तो वही स्लॉट के अंदर फिट जाए, क्योंकि फोन के अंदर भी उसी हिसाब से स्लॉट कटा होता है। तो जैसे ही आप स्लॉट में लगाओगे और उसको अंदर डालोगे तो आपका फोन जो है सिम उसकी एकदम चालू हो जाएगी। आपने हॉस्पिटल विजिट किया होगा तो उसमें 3 पाइपलाइन चलती है, एक वैक्यूम की चलती है, एक एयर की चलती है और एक ऑक्सीजन की चलती है। तो आप अगर उसको कभी ध्यान से देखें तो उसमें क्या होता है कि तीनों के जो सॉकेट हैं वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैसे, कि एक तो होगा रेक्टेंगुलर होगा, एक हेक्सागन शेप में होगा और एक सर्कुलर शेप में होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि ऐसा गलती से ना हो जाए
कि जो एयर वाला सॉकेट है वो वैक्यूम में लग जाए और वैक्यूम वाला ऑक्सीजन में लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो किसी की जिंदगी मौत का सवाल पैदा हो सकता है, इसलिए पोकायोके डाल दिया गया कि जो कनेक्टर का जो शेप है तीनों का अलग अलग कर दिया। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा राइट साइड में। दोस्तों आप और भी ऐसी ही लिस्ट बना सकते हो जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप पोकायोके देखते हो। आपकी जिंदगी में जो इस्तेमाल में आने वाली चीजें हैं उनमें बहुत सारे आपको पोकायोके मिलेंगे आप अगर उनको ध्यान से देखे तो। अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पोकायोके। पोकायोके दो टाइप का होता है। पहला होता है कंट्रोल पोकायोके। कंट्रोल पोकायोके क्या होता है, ये एक मैकेनिकली आपको इम्पॉसिबल कर देगा किसी भी काम को या ऐसी गलती को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिसके पास स्कूटी हो उन्होंने ध्यान दिया होगा, जब तक आप जो है स्कूटी की ब्रेक नहीं दबाओगे तो स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा किस लिए किया गया कि अगर आप बिना ब्रेक दबाए हुए स्कूटी को स्टार्ट कर दे और एक्सलेट कर दे तो आपकी स्कूटी जो है वो भाग जाएगी, या बच्चा कोई स्टार्ट कर दे तो स्कूटी भाग जाएगी। इसलिए क्या किया कंपनी ने, पोकायोके डाल दिया, मैकेनिकली आपके लिए इम्पॉसिबल कर दिया कि जब तक आप ब्रेक नहीं दबाते आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, कंट्रोल पोकायोके, हमने कंट्रोल कर लिया गलती को होने से। दूसरी कैटेगरी होती है वार्निंग पोकायोके। वार्निंग पोकायोके क्या होती है, ये आपको प्रिवेंट नहीं करती लेकिन आपको अलार्म देती है, चाहे किसी सेंसर के तौर पे दे या किसी बजर के तौर पे दे या किसी कलर के तौर पे दे, ये आपको अलार्म देगी कि आप गलती करने वाले हो। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण में बताया कि जब आप गाड़ी की लाइटें जली छोड़ देते हो और चाबी निकाल लेते हो, दरवाजा बंद करने के लिए बाहर निकलते हो गाड़ी से, तो वो गाड़ी अलार्म देना शुरू कर देती है और साथ में उसमें आपको डिपर भी दिखता है अंदर स्क्रीन के ऊपर कि आपने लाइट जली हुई छोड़ दी है। तो ये क्या हो गया, वार्निंग पोकायोके। तो कितने टाइप का पोकायोके होता है, कंट्रोल पोकायोके और वार्निंग पोकायोके। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पोकायोके इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि सेंसर हो गए, लिमिट स्विच हो गए, टू हैंड ऑपरेशन हो गए। टू हैंड ऑपरेशन क्या होता है, जनरली प्रेस मशीन में क्या होता है, हाथ आने का इशू रहता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, मशीन को टू हैंड ऑपरेटेड कर दिया। जब तक आप उसको दो हाथों से नहीं दबाओगे मशीन को तो मशीन चली गई नहीं, तो ये क्या किया हमने, पोकायोके कर दिया। इसी तरीके से लिमिट स्विच होते हैं, लिमिट स्विच लगा दिया हमने लिफ्ट के अंदर, जब तक कि दरवाजा पूरा बंद नहीं होगा तो लिफ्ट जो है ऊपर नीचे मूव नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, पोकायोके हो गया। इसी तरीके से क्या हुआ, कुछ हमने अलार्म लगा दिए कि अगर कोई गलती हो गई तो अलार्म जनरेट हो गया। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं जो इंडस्ट्री में पोकायोके के तौर पे इस्तेमाल में आते हैं। अब जान लेते हैं कि पोकायोके के बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है पोकायोके का क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल को करने के लिए जो फालतू की ऑपरेशन होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि ये गलत माल बनने ही नहीं देता। दूसरा क्या होता है कि कोई अगर गलती होती है तो उस पर आप इमीडिएट एक्शन ले सकते हो। चौथा क्या है कि आप 100% क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। पांचवा क्या है कि आप कस्टमर के पास गलत माल पहुंचने से रोक लेते हो। छठा क्या है कि आप मिस्टेक को होने से पहले ही रोक देते हो, इसी तरीके से आप डिफेक्ट को होने से पहले ही रोक देते हो। तो पोकायोके का ओवरऑल बेनिफिट क्या है कि ये किसी भी गलती को या किसी की डिफेक्ट को होने से रोक देता है। हम जनरली क्या करते हैं, पहले गलती को कर लेते हैं फिर उसको सुधारते हैं। पोकायोके क्या करता है कि गलती को होने ही नहीं देता, उसको मिस्टेक प्रूफ बना देता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में बताता हूँ, हमारी एक और सर्विस है जिसके तहत हम कंपनी के अंदर ऑन साइट ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी भी देते हैं इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड। अगर आपको या आपकी किसी फ्रेंड को किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, आप नीचे हुए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।